हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपस ट्रेंड चैनल में। इस वीडियो में आज हम शुरू कर रहे हैं D SSSB के लिए इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं और वो होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, और वन बाय वन जो है हम इंग्लिश का हर एक टॉपिक जो है कवर करेंगे। फिर सिर्फ वो चीजें हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप नाउन लेंगे तो नाउन में आपको बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ नाउन्स के वही रूल पढ़ेंगे आगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा नोट लेना चाहता है तो हमारा DSSB क्रैश कोर्स ले सकता है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें आपको सभी PDF जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट जो कि DSSB में पूछा जाएगा फर्स्ट पेपर का। ओके, चलिए शुरू करें पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इंग्लिश में। मान लीजिए मुझे कोई भी सेंटेंस बनाना है, ठीक है, इंग्लिश में अगर मुझे कोई भी सेंटेंस बनाना है या वाक्य बनाना है, तो उस वाक्य को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एलिमेंट्स की। ठीक है, वाक्य ऐसे तो नहीं बन जाएगा, कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उन एलिमेंट्स को ही क्या बोलते हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ओके, तो देखिए किन किन एलिमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है सेंटेंस बनाने के लिए। तो एक जो है मेन इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि एक 8 भागों की जो है हमें मेनली जरूरत पड़ती है। कौन कौन से है देखिए, सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 आते हैं इसमें। कौन कौन से देखिए, फर्स्ट है नाउन, ठीक है, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव, फोर्थ होता है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ यहां लिख देते हैं, सिक्स्थ जो होता है वो होता है प्रीपोजिशन, सेवेंथ है कंजक्शन, और एट्थ होता है इंटरजेक्शन। तो कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो वो 8 मतलब जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन एलिमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ओके, तो ये 8 जो है हमें पढ़नी है वन बाय वन। डिटेल में जो है नाउन प्रोनाउन ये अलग से हम पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाता है कई बार स्पेशली D SSSB के जो पेपर होते हैं उसमें आपको एक सेंटेंस देंगे, अंडरलाइन करेंगे किसी भी वर्ड को और आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो वर्ड क्या है, क्या वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है D SSSB में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, ठीक है, दो भी आ सकते हैं बट एक तो डेफिनेटली जो है यहां से पूछा जाता है। तो विद क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है नाउन। नाउन देखिए, नाउन क्या होता है, नाउन के अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, दैट वर्ड विच डिनोट नेम ऑफ ए पर्सन, मतलब ऐसा वर्ड जो किसी व्यक्ति के नाम को या फिर प्लेस को, थिंग को डिनोट करता है, ठीक है, या बोध कराता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, संज्ञा। हिंदी में सबको पता होगा कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो सेम इंग्लिश में होता है नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब क्या है, नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ ए पर्सन, जैसे मैंने लिखा राम, संज्ञा है ये, नाउन है ये। प्लेस मैंने लिखा दिल्ली, ये भी क्या है, नाउन है। थिंग, थिंग की बात आई तो जैसे मैंने लिखा टेबल, क्या है, नाउन है। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। ओके, नाउन भी देखिए अलग अलग तरीके का होता है, 5 टाइप जो है इसके होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो नाम होता है, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं वस्तु का, स्थान का, मतलब जिसका भी नाम होता है उसको हम बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, राम, रोहन, दिल्ली, ठीक है, वो जगह का नाम भी हो सकता है, ये प्रॉपर नाम होते हैं। एक जैसे मैंने लिखा काउ,
पेन, एलिफेंट, बॉय, ये सब क्या है? ये कॉमन नाम है, मतलब जो कि हर एक के लिए यूज होते हैं। जैसे लड़का है, क्या ये सिर्फ एक लड़के के लिए यूज हो रहा है? नहीं, ये कंप्लीट पूरी जाति का इसमें बोध हो रहा है, तो इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ये। ओके, अब एक और चीज मैंने लिखी, क्लास, टीम, ठीक है, इसके अलावा फैमिली या फिर क्राउड, ये क्या है? समूह का बोध हो रहा है यहां से, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। कौन से नाउन हो जाएंगे? कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। तो तीन हमने पढ़ लिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं शुगर, ठीक है, बटर, मिल्क या फिर ऑयल, ये क्या है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, अब अगर लिखा जाए ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, और क्या लिख सकते हैं? काइंडनेस, ये सारे क्या है? ये इमोशन है, भाव है, तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा इसको बोला जाता है। तो ये नाउन के पांच टाइप होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम नाउन में ही जाके पढ़ेंगे इनको। ओके, तो मेन मेन चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, आगे आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी बहुत सारे भेद होते हैं, बट प्रोनाउन होता क्या है? हिंदी में क्या होता है? सर्वनाम, वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। सेम यहां पर भी क्या है कि नाउन की जगह हम जिसको वर्ड का यूज करेंगे उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन? जैसे आई, वी, ठीक है, शी, ही, ये सब होते हैं, यू, दे, एक्सेट्रा, ये प्रोनाउन्स होते हैं। ठीक है, बाकी जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो प्रोनाउन में ही जाके डिस्कस करेंगे हम डिटेल में फुली, तो यहां पे सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात आती है तीसरा, क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है हिंदी में? विशेषण। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, जो उनकी विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है, ऑब्वियस नाउन है। ठीक, तो यहां पे नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? गुड बता रहा है, तो गुड क्या है यहां पे? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। ओके, या फिर मैं लिखूं एक और एग्जांपल, देखते हैं एडजेक्टिव का। द पेन इज रेड, द पेन इज रेड। अब आपसे पूछा जाए कि रेड क्या है? रेड संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? संज्ञा तो हमें मिल गई पेन, और ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है वर्ब। वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया क्या होती है? हिंदी में भी हमारे लेक्चर चल ही रहे हैं, तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्रिया क्या होती है, जिस मतलब जहां से किसी काम के होने का बोध हो, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे हिंदी में लिखती हूं मैं, हिंदी में ऐसे लिख दिया, मान लीजिए राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है, पढ़ना, खेलना, ये क्या है? क्रिया है, वर्ब है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा यू आर रीडिंग, आर रीडिंग यहां पे क्या है? वर्ब है। ठीक है, याद रखिए इसको। तो इस तरीके से जब ये आता है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक, चलिए आप देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखूं शी स्पीक्स पोलाइटली, शी स्पीक्स पोलाइटली, पोलाइटली। ओके, अब देखिए शी क्या है यहां पे?
प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन है. ओके, पोलाइटली क्या है यहां पे? एडजेक्टिव है. और यहां पे वो क्या कर रहा है? बोल रहा है. बोलना क्या है? क्रिया है. तो ये वर्ब हो जाएगी यहां पे. ओके, तो ऐसे ही सेंटेंस आपको देंगे. यहां पे कोई भी एक जो है आपको क्या कर देगा? अंडरलाइन, और आपसे पूछ लेगा. जैसे पोलाइटली अंडरलाइन है, तो यहां पे आपसे पूछा जाएगी पोलाइटली कैसे, मतलब क्या है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है? इस तरीके से पूछा जाएगा. तो पोलाइटली क्या है? एक एडजेक्टिव है. ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक और सेंटेंस देखते हैं. शी कुक्स डिलीशियस फूड. शी कुक्स डिलीशियस फूड. और पूछा जाए डिलीशियस क्या है यहां पे? डिलीशियस, देखिए फूड क्या होता है? फूड की अगर बात करें तो नाउन होता है, और जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण होता है. तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा. तो इस तरीके का कुछ पूछा जाएगा. वर्ब हम मैंने आपको बता दी है कि वर्ब होती क्या है. ठीक, ओके. जैसे मैं लिखूं दे, सॉरी नहीं, सिर्फ मुझे वर्ब बतानी थी कि वर्ब कौन सी होती है. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वर्ब होती है. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था वर्ब का, देखिए एक और एग्जांपल लिख के बता देती हूँ मैं. आई एम ए बॉय. ठीक है, यहां पे वर्ब क्या हो जाएगी? यहां पे वर्ब एम हो जाएगी. एम क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी. आई एम ए बॉय. ठीक है, तो वर्ब ये होती है जिससे हमें किसी काम के होने का बोध होता है, या फिर दैट वर्ड विच रेफर्स टू डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट. ठीक है, वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध हो वो वर्ब होती है. वर्ब से आगे आती है फिर फिफ्थ जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब. एडवर्ब जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण. देखिए विशेषण क्या था? जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बता रहा था. और क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया, जो वर्ब की विशेषता को बताएगा वो क्रिया विशेषण होता है. ओके, इनिस एडवर्ब होता है. जैसे मैंने लिखा शी विल कम. ठीक है, शी विल कम. यहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्ब क्या है? ये है. आपसे पूछा जाए वर्ब क्या है तो ये है. अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखती इस तरीके से, शी विल कम सून. अब आपसे पूछा जाए कि सून क्या है यहां पे? सून क्या है? सी विल कम सून. वर्ब की विशेषता क्या है? सून, यानी कि वो जल्दी आ जाएगा. ओके, मतलब जल्दी आ जाएगी. शी विल कम सून, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है. तो सून क्या हो जाएगा यहां पर? एडवर्ब हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं. ही केम हेयर. ही केम हेयर, और मैं लगा दू यहां पे ट्वाइस. ही केम हेयर ट्वाइस, तो ट्वाइस यहां पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. ठीक है, तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो एडवर्ब होगा. चलिए अगला है, सिक्स्थ जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है संबंध बोधक. संबंध बोधक. प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों यानी दो सेंटेंस, दो वर्ड्स के बीच में, ठीक है, कोई संबंध बताए उसको हम संबंध बोधक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने दो सेंटेंस लिखे, लिखती हूं, मान लीजिए मैं, जैसे मैंने लिखा ये प्रीपोजिशन है. मैंने कंजक्शन आपको बता दिया. संबंध बोधक है, मतलब प्रीपोजिशन में मेनली लोकेशन से रिलेटेड होता है कि कोई चीज कहां पर है ये. ओके, तो ये लोकेशन से रिलेटेड होता है. ठीक, ये क्या कर सकता है, मतलब प्रीपोजिशन कहां पर लगती है? नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, और नाउन और प्रोनाउन का संबंध जो है अन्य शब्दों से किस तरीके से है वो ये डिनोट करते हैं प्रीपोजिशन. ठीक है, मतलब नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताती है और वर्ड्स के साथ. ठीक, जैसे द बुक इज द चेयर. ठीक है, द बुक इज डैश द चेयर. मैंने लगा दिया कि ऑन द बुक इज ऑन द चेयर, कि बुक कहां पर है? चेयर के ऊपर है.
तो यहां पर ओन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। द बुक इज ऑन द चेयर, चेयर से पहले लगा है ओन, ठीक है। इसी तरीके से ही इज बिटवीन राम एंड श्याम, तो यहां पे बिटवीन क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन हो जाएगी, ओके। तो एक्चुअल में प्रीपोजिशन जो होती है ये लोकेशन बताती है हमें, क्या बताती है, लोकेशन के बारे में बताती है, स्थान के बारे में हमें बोध कराती है, ठीक। चलिए अगला जो है, वेट, अगला है सेवेंथ, कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ये बताता है रिलेशन दो सेंटेंस के बीच में, ठीक है। कंजक्शन इज ए वर्ड दैट कंबाइन वर्ड्स ग्रुप्स फ्रेजेस क्लॉज एंड सेंटेंस, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आए जो, या फिर दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लीजिए दो वाक्य मैंने लिखे, आई नो, मैंने लिखा आई नो, ओके। दूसरा मैंने लिखा ही वॉज इनोसेंट, इनोसेंट, देखिए आई नो मैं जानती हूं, ओके। और आप अगर इनका अलग अलग मीनिंग निकालेंगे तो दोनों का मीनिंग निकल रहा है, ही वॉज इनोसेंट, वह मासूम है, ओके। बट इसको मैं ये लिखूं आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट, मैं जानती हूं कि वह मासूम है, ठीक है, इनोसेंट है। तो यहां पर दैट जब हमने दो सेंटेंस को कंबाइन कर दिया एक वर्ड के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, ओके। तो यही कंजक्शन होता है, ओके। अब मैंने लिखा वी शैल गो, ठीक है, वी शैल गो, यू डिजायर इट, ठीक। अगर इसको पूरा करेंगे तो यू शैल गो सिंस यू डिजायर इट, तो दो सेंटेंस को कंबाइन किया सिंस के साथ, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी कंजक्शन हो जाएगी, समुच्चय बोधक वाक्य हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए लास्ट इंटरजेक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन, जेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्म्यादि बोधक, क्या बोलते हैं, विस्म्यादि बोधक, ठीक है। ये क्या होता है कि मतलब वो वर्ड्स जिससे हम सडनली क्या करते हैं, अपना कोई इमोशन जो होता है उसको दिखाते हैं, जैसे सडनली आप अपना जो इमोशन है, आप दुखी है उसको दिखा दिया, या आप हैप्पी हैं उसको शो कर दिया आपने, या किसी चीज का आपको आश्चर्य हुआ है उस भाव को आपने प्रकट कर दिया, कब, अचानक से जब चीज होती है उसको हम विस्म्यादि बोधक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अलास द डॉग इज डेड, दुख प्रकट कर रहे हैं, द डॉग इज डेड, तो ये अलास आ गया, इंटरजेक्शन हो जाएगा ये, ओके। या फिर मैंने लिखा हेलो व्हाट आर यू डूइंग हेयर, डूइंग हेयर, तो यहां पे हेलो क्या हो जाएगा, विस्म्यादि बोधक हो जाएगा, ओके। तो ये थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आठ के आठ मैंने आपको बताई हैं। आप थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं करके कि हम पता पाते हैं यानी कि इसमें कौन सा मतलब कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक। चलिए देखिए चार सेंटेंस मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है शी लेफ्ट होम इन ए हरी, ओके। यहां पे हमें लेफ्ट को बताना है कि लेफ्ट क्या है, क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो देखिए शी लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि जाना हो गया है, तो यहां पे क्या हो गया, क्रिया हो गई है ये, मीन्स लेफ्ट क्या है, वर्ब है, और शी क्या है, यहां पे प्रोनाउन है, शी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज टू गेम्स फॉर हिज कंप्यूटर, ही बताना है, तो ही क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक, प्रोनाउन, सिंपल है ये तो। चलिए अगला देखते हैं, अगला है सेंटेंस थ्री, ए ब्लू काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। सबसे पहले हमें ब्लू बताना है, फिर काइट बताना है, फिर फ्लाइंग बताना है, ओके। ब्लू, ब्लू काइट, कैसा काइट है, ब्लू काइट है, और काइट क्या है, काइट अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं ब्लू क्या है, नाउन, और काइट है कैसा, ब्लू है, ओके। तो जो नाउन की विशेषता बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, तो ब्लू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा, ओके। और फ्लाइंग इन द स्काई वर्ब हो जाएगी, फ्लाई, ठीक।
अगला देखिए, दिस इज ए बुक ऑफ साइंस. ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है. क्या है? प्रीपोजिशन है. और बुक क्या है? यहां पे बुक नाउन है और साइंस भी क्या हो गया? नाउन. तो ये क्या बता रही है? इस तरीके से यहां पे रिलेशन बता रही है दो उनके बीच में. ठीक है, तो ऑफ को अगर पूछा जाएगा तो ये प्रीपोजिशन जो है हो जाएगी. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक दो और एग्जांपल इसमें. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे एग्जाम में, याद रखिएगा इनको. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है हम पढ़ते हैं. देखिए अगर अगर हो ही इज एन इंजीनियर, यहां पे ही क्या है और इंजीनियर क्या है? ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा. और इंजीनियर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. इंजीनियर क्या होगा? नाउन होगा. ठीक है, तो इसको याद रखिए. चलिए आगे देखते हैं. आगे देखिए, मैंने लिखा दे रन फास्ट. दे रन फास्ट, दे क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है, रन क्या है? वर्ब है. और फास्ट क्या है? अब देखिए यहां पर रन फास्ट मतलब तेज दौड़ना, तेज दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है. तो क्रिया विशेषण हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये एड वर्ब हो जाएगा. जो वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब हो जाएगा यहां पे. ओके, तो ये प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब. ठीक, तो वहां पे सब कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ किसी एक पे आपको मार्क करके देंगे. जैसे यहां था दे रन फास्ट, वो आपसे फास्ट पूछ सकते हैं कि फास्ट क्या है, तो ये एडवर्ब हो जाएगी. ठीक है, चलिए एक और देखते हैं लास्ट. देखिए मैंने लिखा स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड. यहां पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स नाउन है. ठीक है, अब आपसे पूछे वर्किंग क्या है? वर्किंग वर्ब है. और वेरी हार्ड क्या है? वेरी और हार्ड दोनों ही क्या है? एड वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रही है. क्योंकि उसने वर्किंग यानी कि काम कैसे, मतलब जो भी बच्चे हैं वो जो काम कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है. ओके, तो यहां पर जो वर्किंग की विशेषता यानी कि वर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब हो जाएगा. वेरी और हार्ड दोनों क्या है? एडवर्ब है. ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में डीएसएसबी के, क्योंकि प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आए हैं. ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा नाउन. नाउन में रूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम ऑब्वियस है हम सारे रूल नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम वो रूल्स देखेंगे जो कि ज्यादातर एग्जाम में अगर आप नाउन से देखेंगे तो सेम ही जो भी एरर फाइंडिंग आती है या आप कह लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स आती है वो सेम ही होती है. तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है, कि पेपर में कौन कौन से रूल ज्यादा पूछे जाते हैं. तो उसी रूल के अनुसार विद क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जामों में पूछे गए होंगे अलग अलग एग्जाम में. ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.